तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। होप सो आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज मैं लेके जाने वाली हूँ आपको दुबई के एक फेमस लोकेशन पे, जहाँ पे आप सबने देखा होगा। तो अभी मैं बताने नहीं वाली हूँ आपको, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, उससे आपको पता लग जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगी है एक फ्रेम, जिसमें जो है दुबई का जो ओल्ड है वो दिखाया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ ड्रॉ करोगे आप, वो बन जाएगा स्क्रीन में। जैसे देखो मेरा हाथ लगा है तो हो गया, वैसे यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हो। ये यहाँ की जो ओल्ड की है वो दिखाइए, तो आप देख सकते हो जो दुबई था पहले ऐसा था। ये ओल्ड चीज़ें हैं यहाँ की, तो आप देख सकते हो ओल्ड दुबई ऐसा था। अब तो बहुत ज़्यादा वो कर चुके हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो ये ओल्ड दुबई का है सारा। अब आगे क्या होने वाला है, आगे मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हो। तेरी मम्मी की मशीन कहाँ आ रही है, सिलाई मशीन पे? मेरी मम्मी की सिलाई मशीन है सर। हाँ, मेरी मम्मी की सिलाई मशीन। ये नीतीश बहुत बकवास करता है कभी कभी, सो इग्नोर। चलिए आगे चलते हैं। सो ये देख सकते हो आप, अब हम जाने वाले हैं लिफ्ट में। चलिए फिर, अब हम ऊपर जाने वाले हैं लिफ्ट में। सो शायद ही नीचे कुछ दिखेगा। ये मेरे दोनों ने हेलो करो दोनों। दोस्तों आज हम आए हैं दुबई से, होप सो आपको पसंद आएगा मेरा ब्लॉग। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे, देखिए कितना सुंदर दिखता है। एक सेकेंड, ये रहा दुबई। पता नहीं कितने फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो लाइटों की वजह से मेरे ही पाँव दिखाई दे रहे हैं इसमें। ओल्ड दुबई, ओल्ड दुबई, ओल्ड दुबई। नीचे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ तो ग्रीन है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, दोनों साइड जो है ये दुबई के प्रिंस है, ये भी दोनों साइड लग रही है। और आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये सारी के नीचे लगने वाली है। ये है दुबई फ्रेम के अंदर, ये जो शीशा है ना, यहाँ पे इसी की आने की कीमत है जो आप 50 दिराम देते हो। क्योंकि इतनी हाइट पे नीचे देखना बहुत ज़्यादा डर तो लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कलेजा जो है मुंह में आ जाता है। आप देख सकते हो ये जो लाइट्स है ये बहुत अच्छी लगी है, सामने जो लाइट्स है। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, हम इस लिफ्ट से आए थे अभी। और ये है दुबई की प्रिंस। मैं बता नहीं सकती दोस्तों आपको, मुझे जो डर लग रहा है ना मैं कुछ बता नहीं सकती, बट मैं जो इतना भी चलती हूँ ना वो बहुत, इतना बड़े में लोग कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता। आप नीचे देख सकते हो, ये जहाँ से मैंने एंट्री की थी वो सामने आपको दिखाया है, ये लाइट्स स्विमिंग पूल की है। तो मैं यहाँ से ऊपर आई थी, ये देखो लेडीज जो है डर चुके हैं इसमें जाते जाते। इसी तरह इसमें दो साइड है, एक साइड से ओल्ड दुबई दिखाई देता है और दूसरी साइड से जो है न्यू दुबई दिखाई देता है। तो न्यू दुबई जो है वो जहाँ से बुक फिर हुआ है, और ओल्ड दुबई है दुबई की साइड जहाँ पे जो पहले से ही दुबई बन चुका था। अब चलो न्यू दुबई वो सामने आप जो देख रहे हो वो है बुर्ज खलीफा। रात को तो लाइट्स हैं तो आपको नज़ारा भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये
ये है दुबई प्रिंस की फ़ोटो जो सामने चौक पे बनी हुई है। तो पत्थर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बढ़ूँगी, बट मैं बढ़ने वाली हूँ। तो मुझे तो चक्कर आने वाला है फिलहाल, बट मैं जाने वाली हूँ क्योंकि जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ टाइप किया रीमा लव मी किस, तो वो सामने स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। और मुझे से अब मैं हार्ट बनाने वाली हूँ, हमेशा नहीं हार्ट दे सकते आप। वाह ऑसम था, ऑसम। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आ जाओ। नहीं इसके ऊपर तो जाया नहीं जा सकता बंदे से, वो देखो कितना नीचे थी मैं और वहाँ से मैं आई थी, वहाँ से वो रहा वो क्या कहते हैं ये पूल है नीचे जहाँ से हम आए थे अभी, और बंदा तो पागल हो जाएगा। आ जाओ आगे चलते हैं। तो सामने वही स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हो, जहाँ पे आप टाइप करोगे वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे शॉप है जहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हो कुछ भी, जैसे यहाँ पे चॉकलेट्स है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी ले सकते हो। प्राइस तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ही होंगे। सो ये रही दुबई फ्रेम, फ्रेम के साथ जो आप फोटो ले सकते हो। अभी हम फ्रेम की सब फोटो ले सकते हो, तो आप देख सकते हो ले सकते हो। ऐसे इसमें फ़ोटो जो है देख सकते हैं। सो ये तो नीतीश की हिम्मत है कि जो नीतीश चल रहा है, अदरवाइज ले से तो चला भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हो नीचे ये दुबई फ्रेम जहाँ पे हम लेने वाले हैं फोटो। आ जा भाई, वही लगता है इसमें साइड हो जा। फोटो अरे लड़की रुक, ये देखो ये हम तीनों एंट्री थी और इधर है एग्जिट। तो वहाँ उस साइड से हम आए थे, इस लिफ्ट से नीचे जाने वाले हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, बस इतना कुछ खास नहीं है। आपको बहुत ऊंचाई पे आना है, वहाँ से ग्लास है जिस पर आपको चलना होता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। अभी रात को तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज़ अगर आप दिन को आते हो तो आपको पूरा दिखाई देता है। और स्क्रीन तो आपने देखी है सेम है, और इस साइड को जो है न्यू दुबई दिखाई देता है, और मेरी राइट साइड को जो है और दुबई है। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं वापस। ये देखो हमारा स्वागत करते हुए यहाँ के सिक्योरिटी बिल्कुल प्यार से इत्मीनान से ले जाते हुए, तो हम अब जा रहे हैं वापस। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको वापस। ये रहा दुबई, अब हम बहुत ऊंचाई से नीचे जा रहे हैं। पहले तो आपने हमें ऊपर आते हुए देखा होगा, ओ भाई साहब, और ये पूरे ग्लास में लिफ्ट है, मतलब मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। आपको पता है ये लिफ्ट ने 5 मिनट भी नहीं लगाया ना, 5 मिनट लगाया है। थैंक यू। ये देखिए अब मैं आप चलिए फ्यूचर दुबई। ये है प्रिंस,
So that is the future of Cuba. ये है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम. ये देखिए लाइट्स जो है आपके साथ चलती है. फ्यूचर दुबई का आप देख सकते हो, सारे जगह प्लेन प्लेन प्लेन. सो जो भी है बहुत मस्त है. ये देखिए आने वाले टाइम में ना वॉच से सब कुछ होगा और पार्सल. ये देखिए प्लेन इन फ्यूचर दुबई से होने वाला है. ये देखिए और तो छोड़ो, गांव में बस भी घूमने वाली है. जो हमने फोटोज ऊपर लिए थे ना दुबई फ्रेम में, वो सारे फोटोज यहाँ पे. हेलो बेटा, आपको मिल गया क्या आपका? तो हम देखने वाले हैं हमारी फोटोज, पता नहीं कहाँ होगा. कौन सा नंबर था हमारी फोटोज का? 149 का है. 149 180 है ना. ये तो कितना था? 179 था. ये आप अपने फोटो जो है यहाँ पे देख सकते हो जो वहाँ पे आए थे. तो हमें तो हमारी फ़ोटो मिली नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं है. तो आपको स्लाइड करना पड़ेगा, आपको आपकी फ़ोटो मिल जाएगी. और ये जो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, फिर आपको ये फ़ोटो मिलेगी ना. पे करना पड़ेगा? नहीं पता नहीं. पर कौन सी, देख दो अपनी फ़ोटो अपने फ़ोन में, देख दो कितने पे थी हमारी फ़ोटो, कौन से उस पर थी. मतलब ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन सब की फ़ोटो जो है स्क्रीन पे शो होती है. तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, आपको आपकी फ़ोटो का नंबर है वो याद रखना है, फिर आप अपनी जो फ़ोटो है वो सर्च कर सकते हैं. वहाँ पे लिखा था ना जब आप फ़ोटो लेते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है वो फ्रेम हो जाएगी. वो फ्रेम कहाँ होगी ये हमें नहीं पता था, पर जो वो फ़ोटो वहाँ पर आपने क्लिक की वो यहाँ पर फ्रेम हो गया. 047 ये रात की है. किसका? 47 पे है हमारी. किधर है 47 पे? टू नहीं किधर होगा हमारा? डी है, डी है, डी ए बी सी डी डी रुक रुक सी वो है बी कहाँ है? ए बी बी 210 है. ये सी है. ए बी बी है. ये है यहाँ पे कोस्ट जहाँ पे आप जो बेची जो किसी भी चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हो. इवन आप देख सकते हैं तो बस आपको भी चाहिए किस तरीके से दे सकते हो. और ये फोटोज है तो भाई फ्रेंड की आप लेना चाहते तो ले सकते हो. ये सारी पेंसिल्स हैं आप देख सकते हो. और एक चीज़ यहाँ पे चल रही बहुत प्यारी है, तो मुझे पता ये कोर्ट है या फिर नहीं, जो भी है बहुत ज़्यादा सुंदर है. तो चलिए फिर हम आ चुके हैं बाहर किचन में. तो ये है सेम मशीन जिसमें आपको कॉइन डालना होता है, देख सकते हो आप कॉइन. और इंसर्ट करने के बाद इसको घुमाना है तो आपको जो भी चाहिए वो बन जाएगा. टेन एट जो है आप वहाँ देख सकते हो, तो हम बन जाएगा इन चारों में से जो भी आपको.
दोस्तों आज की वीडियो करते हैं खत्म। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आप और भी अच्छी वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।